सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। टुडे इज़ द सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ द नॉवल ईद जंगे मोहब्बत बाय महविश अली। सो लेट्स स्टार्ट इट। इतना सितम करती हो खुद पर, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं होता? पराई अमानत पर ऐसे जुल्म, दफातन उसने सरगोशी से मद्दम आवाज में कहा और उंगली से उसके लबों से फिर उभरी खून की बूंदें साफ की। क्या इन पर मेरी वजह से सितम ढा रही हो? वो झुककर उसके कान से बाल हटाते उन पर लब रखते पूछने लगा। मोहब्बत के चेहरे पर हया के साथ गुस्से की लाली भी दौड़ गई, जिस पर सबील ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई पर फौरन से चेहरा सपाट कर लिया। सबील के तासुरात भी परेशानी में बदल गए। वो बेचैनी से चेयर से उठकर फिर उसके पास बेड पर बैठा। कुछ देर उसके चेहरे को देखते उसने अब उसका जब्त आजमाने की एक कोशिश की और उसके हाथ को थाम कर लबों से लगाते कलाई की रग पर अपने दहकते होंठ रख लिए। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे क्यों नहीं देख रही? एक मुस्तरिब सोच ने उसे बेबस कर दिया। क्या मेरा छूना नागवार गुजरा था? पर मैंने सुबह ब्रश किया था यार, मैं चर्स भी नहीं पीता, ना ही हराम ना सिगरेट। कभी कभार दिल करता है, पर अब तुम्हारी राय जानकर उससे भी तौबा कर ली। वजूद को महकाने वाला लम्हे मेरा, अंदाज़ा तो तुम्हें होगा। उसने बेबाकी से काम लिया और उसका पूर पूर पसीना कर दिया अपने अल्फाज से। मोहब्बत के चेहरे पर गज़ब का गुस्सा था, पर अब भी आंखें मूंदे पड़ी रहीं। अगर इसकी हालत ऐसी ना होती तो वो इस डिटाई पर उसे झंझोड़ कर रख देता। उसकी शहाना ज़िंदगी में पहला वजूद था जो उसे इस कदर उंगली पर नचा रहा था, वरना वो मगरूर सा शहज़ादा कहाँ किसी को मुँह लगाता था। उसे तो याद नहीं था आज से पहले किसी ने उसकी एक पुकार पर नज़रें चुराई हों। वो नखरे दिखाने वाले लोगों को जूते की नोक पर रखता था, उसे याद था। आज तक उसे किसी ने भी ऐसे नखरे नहीं दिखाए। ये वाहिद हस्ती थी जो उसकी तबीयत पर नागवार गुजरते नखरे भी दिखा रही थी और उसे शहजादों सी आन बान रखने वाले जागीरदार के चराग को मुसलसल दुत्कार रही थी। पर उसमें मोहब्बत का कसूर तो नहीं था? तू खुद ही तो उसके नखरे जूते पर रखने की बजाय अपनी आँखों अपने दिल पर रख रहा था। उसके दुत्कार ने नफरत जताने के बाद भी तो तूने उसे अपने दिल की सल्तनत की मलका बनाए हुए था। मोहब्बत का इसमें कहीं कसूर नहीं था। वो तो लोगों की मारी हजारों में तकसीम टुकड़ों में बटी मूर्ति थी जिसे पत्थरों से तोड़ा गया था। वो खुद ही तो उसके पीछे था, उस पत्थर के टुकड़ों में जान डालने लगा था, उन कांच के टुकड़ों को समेट कर मोती तराशना चाहता था। उसमें एहसास, जज्बात, ख्वाहिश और शरीर ख्वाब उसके नैनों में सजाना चाहता था। उसके अंग अंग को सराह कर महकाना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि तुम सिर्फ खुशियों के लिए बनी हो, ये सर धवा का झोंका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरसलान सुहेल नहीं तो क्या हुआ? सबील अफाक तो है ना, तुम्हें मोहब्बत के आबगीने की तरह रखने, शहजादी समझकर चाहने वाला। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार फिर हम उसी लिफ्ट में जाएं और बगैर डिस्टर्बिंग के? शट अप, वो अभी बोल ही रहा था कि मोहब्बत के जब्त की तनावें टूटी। वह गुस्से शर्मो हया से उसकी बात काट कर ज़ोर से चिल्लाई। सबील ने चौंक कर उन सुर्ख आँखों में देखा और अगले ही पल हाथ बढ़ाकर उसे अपनी सिमत खींचा। आँख के साथ मोहब्बत इस अफ्ताद पर लहराती हुई सीधा उसके सीने से लगी। अफाक, उसकी खौफ से चीख निकल गई। मेरी जान, मेरी दिलरुबा। उसके नकाहत सदा वजूद के गिर्द अपना मजबूत हसार बांध कर वो उसे खुद में भींच गया। वो कितना बेसकून था, इसका अंदाज़ा शायद मोहब्बत ना लगा पाए, पर अब वो कितना सुकून में है उसे होश में देखकर उसका अंदाज़ा सबील और उसके रब को ज़रूर था। क्या कर रहे हैं सबील? बाहर सब मौजूद हैं। वो विंडो को देखती उसके बेतहाशा करीब आने पर हकलाती हुई दूर होने की कोशिश में बोली, कोई नहीं, सिर्फ मेरे और तुम्हारे अलावा। वो उसका चेहरा हाथों में भर कर देखने लगा। वो आहिस्ता से मज़ाहमत करने की कोशिश में दूर होना चाहती थी, पर वो होने कहाँ दे रहा था। बहुत मुश्किल से उसने गुस्से वाले तासुरात बनाए और नागवारी से उसकी आंखों में देखा, जहाँ मोहब्बत का एक जहाँ आबाद था।
वो सोचता रह गई थी अगले पल, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद तुम्हारा सबील कातिलों की राह पर चल पड़ता और एक एक को पकड़ पकड़ कर टुकड़े कर देता। उसकी जज्बातियत से लबरेज आवाज़ लहजे में एक जुनून था, मोहब्बत कांप गई उसके अंदाज पर। ताकि फिर तुम्हें बर्बाद करने वाली मेरी मनहूसियत कहलाए, उसने भराई आवाज़ में शिकवा किया। कैसी मनहूसियत मोहब्बत, उसने बेबसी से पूछा और उसकी पानियों से भरी झुकी आँखों को लबों से छू लिया। वही मेरी साथ जो आज तक सबको अजियत देने का बाइस बनी है, उसने रोते हुए कहा। सबील ने आहिस्ता से उसका सर सीने से लगाया। किसी अजियत दी है तुमने, उसने तकलीफ़ से पूछा। सबको दी है, मोहब्बत की हिचकियाँ बनने लगी। फिर भी, उसने इसरार किया, सबको देती हूँ, पापा की रूह को, अम्मी को, आपी को, मान भाई को, आरिस की फैमिली उसकी रूह को, जारून की फैमिली को, सबको तो देती हूँ, आपको भी तो देती हूँ ना, उसने रोते हुए हिचकियों के दरमियान अटकते हुए सरगोशी में बताया। तुम्हें क्यों लगता है मेरी जान कि तुम सबको तकलीफ़ देती हो, मुझे तो नहीं देती, अंकल को भी नहीं देती, अम्मी तुम्हारी खुशी में खुश हैं, महनूर अरिश्मान भी तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम उन्हें अजियत नहीं देती जाने आफाक, ये बस लोगों की सोच है जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है। खुशी गम देने वाली वो वाहिद ज़ात है मेरी शहजादी, उसके अलावा किसी की ताकत नहीं है कि किसी को खुशी गम दे, वो चाहता है तभी सब मुमकिन होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ, जो भी होता आया है, उसमें उसकी रजा थी, एक आजमाइश थी तुम्हारे लिए। हर किसी की ज़िंदगी में खुशियों के साथ दुख भी होते हैं, किसी के दुख किसी के जाने के बहाने होते हैं, तो कोई दुख अपने को करीब लाने के कोई आजमाइश होती है, तो कोई रहमत। दुख की भी हज़ार वजूहात हैं, इस दुख में हमारा भला होता है, वरना खुशियाँ तो दीनों ईमान लूट लेती हैं, ज़रा सी फुर्सत नहीं छोड़ती। हम अपने रब को याद कर लें, ज़िंदगी का अहम हिस्सा हमारे लिए नेक राह पर चलाने वाला दुख ही है, जिसकी वजह से हम उसकी ज़ात को याद रखते हैं हर वक्त हर दम। हमारा ईमान कामिल होता है कि देने वाला वही वाहिद ला शरीक है, उसके अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं है वो सूखे पत्ते को भी उड़ा सके। उसके बालों को सहलाते वो कह रहा था और वो खामोशी से उसके सीने पर सर रख कर सुन रही थी। तो क्या जारून आया था पापा को लेने, उसने हिचकी भरते कहा। सबील उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। नहीं ऐसा नहीं, वो लेने नहीं आया, बल्कि उनकी ज़िंदगी की डोर ही इतनी थी जितना वो खींचते आ रहे थे। हर बाप के इख्तिताम की वजह होती है, उनकी ज़िंदगी के बाप का इख्तिताम का बहाना वही था। पर मुझे पापा की याद आती है, मुझे आरिस के हिजर से डर लगता है, वो कहकर खौफजदा हिरनी की मानंद उसके सीने में चेहरा छुपा गई, जैसे आरिस की रूह उसे अभी नोच लेगी। सबील ने अफसोस दुख से देखा, कैसी कैसी सोचें पाल कर बैठी थी जिनके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तुम्हें मेरे हिजर से डर नहीं लगता, उस मरहूम के हिजर से डर लगता है जो बेचारा अभी रूहों से इश्क फरमा रहा होगा, उसने अचानक अपना अंदाज बदला। रोती हुई मोहब्बत उसकी बात सुनकर समझकर एकदम बौखला गई। अरे अरे जनाब, उसे भागते दूर होते देखकर सबील ने हंसते हुए अपना घेरा तंग कर दिया। यहीं पड़ी रहो, मेरा इलाज यही है, तुम्हारा तो हो गया, तुम्हें एहसास है मैं भी तुम्हारे साथ था, मेरा इलाज तो करने दो, दो चार घंटे, वो तीन घंटे अलग से तंग किया था तुमने मुझे। छोड़ो, वो किसमिस आई, पर वो कहाँ तैयार था, उसे सीने से लगाए पुरसकून खड़ा था और मोहब्बत सुर्ख अनार की मानंद लाल हो गई थी। छोड़ें, छोड़ने के लिए थोड़ी थामा है, मेरे करीब आ जाओ वरना कसम से मेरी रूह बहुत ख़तरनाक है, एक दफ़ा चिमट गई ना तो फिर मोहब्बत भी तुम्हारी। तो उसकी बात अभी मुंह में ही रह गई जब उसने एकदम उसके हाथ पर झुकते अपने दांत काट दिए। उफ़, क्या लम्स है तुम्हारा, एकदम गुलाब की तरह खुशबूदार, महकता, नरम, नाजुक। वो कराहने की बजाय आह करता एक अलग ही टोन में बोलते उसके छक्के छुड़ा गया। बदतमीज़, वो शर्म से सुर्ख चीख उठी और उसके सीने पर रोती हाथ मारने लगी। हा हा हा, बदतमीज़ नहीं तुम्हारा शौहर हूँ, वो उसकी कलाइयाँ पकड़ता कहकहा लगा उठा। नहीं हैं आप मेरे शौहर, बहुत बुरे हैं आप, वो दांत पीसती उसके हाथ को काटने के लिए मचल रही थी, पर सबील बहुत तेज़ी से कभी दाएं हाथ कर देता तो कभी बाएं,
इसके साथ ही वो काटने के लिए बिफर गई थी कि एकदम उसने अपनी तरफ खींच लिया। मोहब्बत को एहसास तब हुआ जब चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब था और नाक उसकी नाक से टच हो रही थी। मनहूस मत कहा करो खुद को, एक दफ़ा मुस्कुरा दो कितने दिल खुशी से झूम जाएंगे। और दिलों को सुकून पहुंचाने वाली मनहूस नहीं, नेक बख्त होती है मेरी झल्ली, वो आहिस्ता से कह रहा था और वो आंखें नीचे उसको सुन रही थी, उसका एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। उसके करीब आने पर मोहब्बत अपनी सांसें थाम गई थी। सबील ने खामोशी से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा और आहिस्ता से झुककर उसकी बंद आंखों को चूम लिया। घर के बाहर एक लिफ्ट लगाएंगे रुखसती के बाद, जिसे रोज़ मैं ख़राब कर दूंगा। उसके खुले बालों में उंगलियां फंसाकर बालों को मुट्ठी में थामते झुककर आहिस्ता से उसे बेड पर लिटा दिया। मोहब्बत वैसी ही बेहिस हरकत थी, पलकें तो बोझ से उठने के लिए तैयार नहीं थी, धड़कने अजीब सी रक्स में मदहोश थी। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, कुछ देर में घर चल रहे हैं, वहाँ आराम करना, उसकी पेशानी पर बोसा देते वो कहकर सीधा हुआ। उसे वाकई के छाए दिमाग पर तलस्सुम में अचानक उसे याद आया कि उनकी आज पार्टी थी और फौरन पार्टी भी आने वाली थी, आप नहीं जा रहे पार्टी में, उसने बगैर उसे देखे पूछा था। सबील उसकी आवाज़ में नरमी शर्म का बोझ महसूस करते मुस्कुराया और सुकून भरा सांस लेकर बिखरे बालों में हाथ फेर गया। कैसे जाऊं? उसने उल्टा सवाल किया। क्यों? मोहब्बत ने चौंक कर वजह जाननी चाही और नज़रें हैरत से उठाई, तब उन आंखों को खुद पर मरकूज पाकर सटपटा गई। सबील जी भर कर महसूस हुआ, जिस महफिल में मेरा यार नहीं वहाँ मैं क्या मच्छर मारने जाऊँ? उसने जल कर पूछा, उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। एक तो तुम जितना गुस्सा करती हो उससे डबल शर्माती हो यार, मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करने वाली हो लगता है। उसने सदा लगाई पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा घर चल रहे हैं, मैं डिस्चार्ज लेटर लेकर आता हूँ, भाभी वहीं आएंगी तुमसे मिलने। वो आह भर कर दुख बयान करने के बाद फौरन संजीदा हुआ, मुबादा जूता ही उछाल कर न मार दे। मोहब्बत ने घूर कर देखा, वो एक नज़र डाल कर रूम से निकल गया। मैं आ गई। उसके जाते ही उसने अभी लब भींचे, सुकून का सांस भी खारिज नहीं किया था कि झपाक से नैना अंदर घुस आई। सुना था लिफ्ट में तुम्हें ऑक्सीजन मास्क मैसर हो गया था, जिसकी बदौलत तुम्हें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या ये अफवाह ठीक है या आवाम खामखा पागल हो रही है? लव बर्ड से वो तो बेचारे शायद चौंच ही। क्या बकवास है नैना, अभी वो सर खा कर गया है और अब तुम शुरू हो जाओ। मोहब्बत ने उसकी बकवास सुनते बिलबिला कर शर्मिंदगी से उसे झुटका। हा हा हा, गालिबन भड़कने वाले को चोर कहा जाता है, कहीं सबील भाई की सांसों की चोरी वाली अफवाह सच तो नहीं? वो डीट थी, ऐसे ही तो उसकी दोस्त नहीं थी, बहुत बर्दाश्त के बाद ही तो इस मुकाम पर आई थी। आंखें मटकाते वो उसके पास वाली चेयर पर बैठती खिलखिलाई थी। अब अगर तुमने बकवास की ना नैनू, मैं सच में तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मोहब्बत ने ब्लश करते दांत पीस कर कहा। ही, खून तो लगता है उसका पिया है, तभी तो लब इतने सुर्ख हैं। वो खबीस रूह बाज नहीं आई, मोहब्बत सख्ती से खुद पर जब्त करने लगी। वैसे बताओ कैसा महसूस हो रहा था? मैं भी वो कल जाने वाली हूँ ना, उसने दुपट्टा दांतों में फंसा कर शर्माते लजाते पूछा। मोहब्बत को तो ज़ोरदार झटका लगा। तुम कमीनी औरत, वह गुस्से से चीखती तकिया उठाकर उसे मारने लगी। हा हा हा, हाय यार ऐसे भड़क क्यों रही हो, सिर्फ एक्सपीरियंस का ही तो पूछा है, उसने कह कहाँ लगाते चेयर छोड़कर मस्तूई हैरत से पूछा। या अल्लाह मैं इस लड़की का कुछ कर दूंगी। मोहब्बत ने अपने बाल नोच लिए और उसकी हालत पर खिलखिलाती हुई वो उसके पास चली आई। मुझे उम्मीद है मोहब्बत, इस हादसे ने तुम्हारी थोड़ी बहुत सोच बदल दी होगी। सोने को छोड़कर हीरे की तलाश में मत निकलना, सोना टूट कर जुट जाता है, हीरा टूट जाए तो नकारा हो जाता है। जिस सुकून को तुम हीरा समझकर पीछे भाग रही हो, दरहकीकत वो लोगों के सियाह जबानों के सांप हैं जो हीरों की रोशनी खुद पर लपेट कर तुम्हें अपनी चकाचौंध से अपनी सिमत खींचना चाहते हैं। हीरा चार दिन की रोशनी है फिर अंधेरी रात, सोना जल कर भी तुम्हारे लिए कुंदन बन जाएगा आग नहीं। उसका हाथ थाम कर उसने मोहब्बत पाश लहजे में समझाया, वो सर हिला गई।
नैना के लिए यही काफ़ी था, वो समझ तो रही थी। कैसा फील कर रही हो अब? वो उसकी दवाइयाँ देखने लगी। ठीक हूँ। और तुम तैयार नहीं होने जा रही? काफ़ी देर हो गई है, पार्टी में नहीं जाना क्या? अरे यार, दफ़ा करो पार्टीज़ को, वो तो फजूलियत ही होती हैं, होती ही रहेंगी। तुम ठीक हो जाओ, फिर अरेंज करेंगे। सर शानदार सी अफ्तार पार्टी, शायद वो माजरत करने वाले हैं फ़ौरन पार्टी से, उसने कहा। मोहब्बत चौंक गई। ऐसे क्यों? उन्होंने इतनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पर, ऊपर से फ़ौरन पार्टी भी शायद आ चुकी होगी। हम उन्हें पिक करने वाले थे फार्म हाउस पर, चक्कर लगाने के बाद अब तो आ भी गए होंगे। इस तरह इनवाइट करके कैंसिल करना कितना इंसल्टिंग है। वो फिर कैसे देंगे प्रोजेक्ट उन्हें? हाँ वो तो है, पर सर के लिए तुम्हारी जान से ज़्यादा अजीज़ कुछ नहीं, उसने शरारत से कहा। मोहब्बत लब भींच कर उसे देखने लगी। अब तुम सब अपनी तरफ मत ले जाना कि तुम्हारी मनहूसियत की वजह से ही ये सब हुआ है। ये इत्तफाक था, शायद हमारी कंपनी की किस्मत में नहीं था। ऐसे कैसे ना सोचूं नैनू, इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की थी, मोहब्बत ने नाराज की हैरत दुख से कहा था। नैना ने गहरा सांस भरा। देखो मोहब्बत, नहीं तुम्हें मेरी कसम है, जाओ और तैयार हो जाओ फास्ट, आज मैं देखूंगी कि तुम्हें अपने दोस्त से कितना प्यार है। उसने हाथ पकड़कर सर पर रखा नैना को चकरा के रख दिया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? सर ने मना। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, सर से मैं बात कर रही हूँ, जाओ तुम, उसने उसकी चीख बीच में ही काट कर बेड से उठते उसे दरवाजे के बाहर धकेलने लगी। साफ कह दो अब प्राइवेसी चाहिए, धकेल क्यों रही हो? वो संभलती हुई गुस्से से दांत पीस कर बोलती मोहब्बत को सुर्ख कर गई। क्या बकवास कर रही हो? वह गुस्से नागवारियत से बोली और उसे बाजू से पकड़ कर दरवाजे से बाहर निकाला। जाओ तैयार हो जाओ, मुझे एकदम पटाखा लगनी चाहिए है अपनी दोस्त, उसने शरारत से कहा। नैना चौंकी। क्या तुम? उसने हैरत के झटके से पूछा। जी तुम तैयार होकर मुझे वहीं मिलो, मैं भी आ रही हूँ, उसने कहते दरवाज़ा नैना के होंकों जैसी शक्ल पर बंद कर दिया और गहरा सांस खारिज करके मुड़ती हुई बेड की सिमत बड़ी ही थी कि एकदम भीड़ से दरवाज़ा खुला। तुम, बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए जब सामने खड़े बिखरे हुए सुर्ख आंखों वाले सबील अफाक को देखा। इस हादसे ने दोनों की हालत मुस्तरिब कर दी थी। मोहब्बत तो पर्दा पोशी में माहिर थी, पर सबील की आंखें सारी कतह बेचैन बेसकूनी सुना रही थी। तुम खड़ी क्यों हो? जाओ बेड पर बैठो, मैं अपनी बीवी को उठा कर ले जाने वाला हूँ, उसने हुक्म देते अपने अगले कदम का इजहार किया तो मोहब्बत बौखला गई। आपका दिमाग ठीक है? वह गुस्से जब्त से बोलती पाँव की उंगलियां फर्श पर खुबाने लगी ताकि वो उसमें चिमट जाए और वो उसे उठा ना सके। तुम्हें सुनकर अफसोस होगा, 4-5 साल पहले ठीक था, अब नहीं है, वो सरसरी से बोला। मोहब्बत मुट्ठियां भींच गई। फी सबीलिल्लाह ना हो तो, उसने बुड़बुड़ा कर अपना दुपट्टा ढूंढना चाहा पर उसे कुछ भी ना मिला। अगर शर्ट उतार कर तुम्हें दी तो लड़कियाँ यहाँ पागल हो जाएंगी, अगर ना उतार कर दी तो मैं हवास खो दूंगा। ऐसा करो तुम खुद मेरे सीने में खुद को छुपा दो। छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ता वो गंभीर लहजे में गोया हुआ, जिसे सुनकर मोहब्बत की हथेलियाँ पसीने से भीग गईं। वो कोई सख्त जुमला इस्तेमाल करती दफातन दिमाग में ख्याल आया। मुझे घुटन हो रही है, उसने बात शुरू की। सबील ने नासमझी से चौंक कर उसे देखा। क्या तुम्हें मेरी सांसों की तलब तो नहीं हो रही? वो दो कदम में फासला मिटाकर उसके पीछे आया। नहीं मुझे कहीं जाना है, मतलब मुझे यहाँ बहुत घुटन महसूस हो रही है, पार्टी में चलें? वो गड़बड़ा कर हकलाते एकदम मुद्दे पर आई। ओह, उसने समझते सर हिलाया। ओके चलें, पर तुम्हारी तो तबीयत। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, देख लें आप मैं चल रही हूँ ना। देखें एकदम फिट फ्रेश, मेरा मतलब फिट बट नॉट फ्रेश, वो जल्दी से तसीह करती मुस्कुराई। तो मैं इनकार कैसे करूं? चलो पर 20 मिनट वहां गुजार कर फिर वापस आना है, वो उसके गाल को हाथ से सहलाते बोला और चलकर साइड टेबल पर रखे बैग से मोहब्बत का दुपट्टा निकाला और उसकी सिमत आया, पर इत्तफाक से नज़रें अचानक उस पर लगे दाग पर पड़ी तो लब भींच कर कुछ देर उन्हें देखता रहा। उस जिरक निगाह रखने वाले की आंखों से कैसे बचती कि उसकी मोहब्बत के दुपट्टे पर लातें मारी गई थीं। उसका खून खौल उठा जैसे किसी ने शोले डाल दिए हों उसकी रगों में। वो अपनी शर्ट हाथों से उसके दुपट्टे को साफ करता उठा और उसके सर पर दुपट्टा उड़ा दिया।
एक बार पहले भी उसकी आबरू महफूज रखने के लिए उसकी ही स्याह शॉल ढाल बनी थी। तुम्हारी बेहुर्मती करने वालों की मैं आंखें नोच लूँगा, वो आहिस्ता से सरगोशी में उसके कान में कहता एकदम उसे बाहों में भर कर उठा चुका था। सबील, उसने धड़कते दिल बिखरे तनफ्फुस के साथ कहा, पर वो कहाँ सुन रहा था, उसने तो डॉक्टर सिस्टर की भी नहीं सुनी जो शायद अलविदा ही कहने आए थे। मोहब्बत को उसका अंदाज काफ़ी नागवार गुजरा, पर वो क्या जाने वो उसके लिए कैसा जुनून रखता है, बेवजह किसी का बात करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो। उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी, वो जल्दी से बाहर निकला और उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। सोसाइटी में किसी को मालूम नहीं था कि उनकी मोहब्बत के साथ क्या हादसा पेश आ चुका है। वो मज़े में अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी, तो कोई जॉगिंग के लिए तैयार जाने लगी थी तो कोई कुछ और। मोहब्बत को गाड़ी से बाहर निकलते सबील के साथ खड़े होते उन्होंने उस प्यारे से कपल को देखते दूर से वेव किया। उनकी नज़रों में सताइश थी, उनकी दुआएं थीं कि वो हमेशा ऐसे ही साथ रहें, पर मोहब्बत के तेवर भी उन्हें मशकूक लग रहे थे। वहीं मिसेज़ ज़ुल्फ़कार भी मोहब्बत के जज्बात समझ गई थीं कि मोहब्बत को सबील आफाक में कोई इंटरेस्ट नहीं। अलबत्ता वो चाहती थी कि मोहब्बत ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करे जिससे सबील से उसे अलग होना पड़े। वो उसके एहसास से वाकिफ़ थी, थोड़ा बहुत तो उसके अंदाज से मालूम हो गया था। वो उसे समझा भी चुकी थी, पर वो हमेशा अपनी करने वाली लड़की क्या उसकी बात पर तवज्जो देगी। वेलकम टू अवर स्वीट होम, सबील ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ उसकी इजाज़त के बगैर थाम कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर घर की सिमत बढ़ा। वो जब्त से मुठ्ठियाँ भींच गई, मैं मर नहीं रही जो आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, वो तपे लहजे में गोया हुई। तुम्हारा क्या मतलब, मैं तुम्हारे मरने पर इतना मामूली सा रिएक्ट करूँगा, वो उसे शर्मिंदा करने की नीयत से बोला था, पर वो हुई नहीं अलबत्ता चौंक गई कि वो उसके बारे में ऐसा कह रहा है। आम सूरत हाल में तो महबूब अपनी महबूबा के मुंह से मरने मारने वाली बातों पर गुस्सा होते, तौबा नवाफिल अदा करते, सदके देते हैं, और ये इंसान क्या कह रहा था। वाकई जो उसका दिमाग कह रहा था वो सच ही था। मान गई कि ये बंदा उसकी तो क्या किसी की भी समझ से बाहर है। भाऊ, घर में कदम रखते ही सबसे पहले गेट पर अलर्ट खड़े कुत्ते ने भाऊ करते उसका वेलकम किया। उफ, मोहब्बत ने उछल कर सबील के सीने में छुपने का सहारा लिया, बल्कि अपने कदम भी उसके पाँव पर रख दिए। खौफ से कहीं उसके पाँव में ही ना काट ले, ये मुसीबत उसका बेटा हर बार उसके साथ ऐसा ही करता था। उफ, वो तो खौफ से उफ करती बोली थी, पर सबील की उफ ने मोहब्बत के पसीने छुटा दिए। अपने कुत्ते को हटाओ सामने से, वरना मैं आप दोनों का सर फाड़ दूंगी, वो बेबसी से चीखी। शर्म में उससे दूर हो भी तो कैसे, सामने तकरीबन पास बैठा उन दोनों को देखता लंबे दांतों वाला वो भेड़िए से बड़ा कद आवर जर्मन शेपर्ड, जबकि पीछे उसका दहकता सीना। कुत्ता नहीं, हमारा बेटा है, उसने सर्द लहजे में जताया। तुम खुद कहो उससे कि जाओ यहाँ से माई सन, वो चला जाएगा, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। मुझे खुद बात अधूरी छोड़कर उसने उसकी कुर्बत की जानिब इशारा दिया। मोहब्बत ने बेबसी हया से लब आपस में भींच लिए। वो इस वक्त गेट के पास लगे अंदर फ्लैट के लॉन में दरख्त की छांव में खड़े थे। ठंडी ठंडी हवा उनके वजूद से टकराती माहौल में सरूर पैदा कर रही थी। सबील के लिए तो जन्नत का मंजर हो गया था आज। एक तो वो इतनी करीब खड़ी जिसकी कुत्ते के खौफ से सहमी धड़कनें अपने सीने में महसूस हो रही थीं, वहीं उसकी मध्यम सांसें भी उसके चेहरे से टकरा कर खुमार बरपा कर रही थीं। आप उसे कहें ना सबील प्लीज़, गुस्से से काम ना होते देखकर उसने इल्तिजा की। हाँ हाँ डार्लिंग, तुम्हारी ये इल्तिजा मुझे अंदर से घायल कर गई, पर मैं हमेशा का नर्म दिल इंसान उस मासूम के हक को नहीं खा सकता। ये इल्तिजाएँ बहुत काम आने वाली हैं तुम्हें, इन्हें उस वक्त के लिए संभाल कर रखो, अलबत्ता इस वक्त हमारे बेटे का हक अदा करो। उसकी मायनी खेज बेबाक गुफ्तगू पर वो कानों की लौ तक लाल पड़ गई। जस्ट शट अप, क्या उसका बाप कुत्ता था जो ये मेरा कुत्ता बच्चा है, वो गुस्से जब्त टूटने से चिल्ला उठी। हा हा हा, अस्तग़फ़ार, सबील का कहकहा बुलंद हुआ और मोहब्बत उसे कहकहा लगाते देखकर अपने जुमले पर नज़र सानी करने लगी, पूर पूर कांप गई।
नहीं, तुम्हारा शौहर इंसान है, डोंट वरी। ये हमारी कुदरती औलाद है जो गॉड गिफ्ट के तौर पर तुम्हारे शौहर को मिला था। सिर्फ ये एक ही ऐसा होगा, दूसरे हमारे नॉर्मल होंगे, यू नो ना, उनका बाप भी इंसान है। वो हाथ आया मौका कैसे जाने देता। उसे तो मौका चाहिए था जो मोहब्बत अपनी बेवकूफ़ी में उसे फ्राहम कर देती थी, और वो जी भर कर मज़े लेता उसे तफसील बताने लगा। मैं देख लूँगी आपको, उसने भराई आवाज़ में धमकी देते सामने कुत्ते को देखा। दोनों बाप बेटे इंतहा के ढीठ इंसान नुमा जानवर थे। कितने ढीठ थे वो सोच नहीं सकती थी, उसकी सोच से बाहर था। सामने बैठा खामोशी से सुन रहा था, पर बेगैरत जा नहीं रहा था। आपको अच्छा लगेगा मैं इसे बेटा कहूँ, उसने मासूमियत का हथियार आजमाया। सबील को दिली तरस आ गया उस पर। अच्छा तो नहीं लगेगा, पर ज़रूरी है तो क्या कर सकते हैं जाना, वो उल्टा सवालिया बोला। मैं आपका सर फाड़ दूँगी, वार खाली देख कर वो गुर्राई। पहले तुम खुद को तो संभाल लो, वो हंस कर तंजिया बोलते लापरवाही से अपने घर को देखने लगा। उसका इशारा दोनों के बीच कुर्बतों की तरफ था। वो मुसलसल जिच होती कुत्ते की तरफ मुड़ी। बेबी जाओ, उसने गुस्सा दबाते पुचकारा। भाव, वो अचानक झपट कर उस पर गुस्से से गुर्राया। आ, मोहब्बत की हलक से चीख उबल पड़ी, और वो जिस तेज़ी से कुत्ते की तरफ झुकी थी उतनी ही तेज़ी से उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर थर थर कांपने लगी। हा हा हा, कहा था बेटा कहो या सन कह देती, वो बेबी नहीं अब बड़ा हो चुका है, उसका बाप उसके लिए लड़की अपनी बहू ढूंढ रहा है, और तुम बेबी कहकर उसके जज्बात की इंसल्ट कर रही हो। वेरी बैड, उसका गुस्सा तो बनता है। महसूस होकर बुलंद शगाफ कहकहा मारते वो उसकी कमर में बाजू डालकर खुद से लगाता मोहब्बत से गोया हुआ। बहुत बुरे हैं आप दोनों, बहुत, वो रोती उसकी पीठ पर मुक्के बरसाती हुई बोली। बस बस, अच्छा ट्राई था, रोना बंद करो, शाबाश। उसे झुक कर बाहों में भरते वो कुत्ते को वहाँ से जाने का इशारा देकर अंदर बढ़ गया। चूँकि वो उसकी बाहों में बेबस थी तो वो मौके का फ़ायदा उठाकर अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। पर मोहब्बत को गैर मामूली एहसास होते ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो हंसता हुआ उसे उसके पोर्शन में ले आया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा पास होगी तो थोड़ी सेवा कर लूँगा, उसे बेड पर डालते उसने सर खुजाते कहा। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी सेवा करने की, मैं खुद कर लूँगी। पर मेरे साथ ऐसी चीपनेस से काम न लें आप, वो फिल फोर पीछे खिसक गई। उसे अंदाज़ा था कि वो ज़रूर कोई हरकत करेगा। उसकी हालत उसके तासुरात से वो कहकहा लगा उठा। दहशत ही काफ़ी है सबील की, उसने तफाखुर से कहा। मोहब्बत ने हूँ करके सर झटका। अभी तो तुम चीपनेस के चे से भी नवाकिफ हो डार्लिंग, मेरी मोहब्बत को चीपनेस कहकर मेरी तोहीन मत करो। मैं जब अपने पर आ गया तो तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे, वो बेड पर पाँव रख कर उसके सिम झुका सर्द लहजे में बोल रहा था। पर मोहब्बत की बेयकीन फैली आंखें देखकर आखिर में आंख दबाते जो मायने जुमला अदा किया जिससे वो सटपटा गई। दफा हो जाओ, वो चीखी और साथ ही कुशन उठाकर उसके सीने पर दे मारा। तुम भी साथ आओ, वैसे काश मैं तुम्हारा ये तकिया होता, कम अज़ कम 24 ना सही सुबह 12 घंटे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेहद करीब होता। उसने तकिए में मुंह देकर गहरा सांस भरकर गंभीर लहजे में उसे गहरी नज़रों से देखा था। मोहब्बत का मानो सोच कर सांस रुक गया। शर्मो हया, खिफत, गुस्सा, बेबसी, सब कैफियत ने अटैक एक साथ किया था कि वो झुंझुला उठी। आप जा रहे हैं आफाक या मैं सच में आपका सर फाड़ दूँ, वो टेबल से भारी टाइम पीस उठाकर उसकी तरफ करती गुस्से से गुर्राई। हा हा हा, जा रहा हूँ आफाक की चिंगारी, बस भड़कने के लिए तैयार रहो हम वक्त। ऐसा नहीं कि कभी बंदे की फीलिंग्स उसकी तड़प समझकर कुछ दूरियां ही मिटाकर कुछ लम्ब से आशना कराओ, उसने मुंह बसोर कर शिकवा आहें भरी। मोहब्बत ने कुछ ना सोचते अपने बार मुट्ठी में पकड़ लिए। हा हा हा, अच्छा अच्छा रिलैक्स, जाना जा रहा हूँ, बस ब्लैक कुछ पहन लेना, मैचिंग हो जाएगी। वो बाहों में तकिया भींच कर खुलकर उसकी हालत पर हंसता हुआ वहाँ से निकला। मेरा तकिया, मोहब्बत ने तड़प कर पीछे से कहा। आफाक रुक कर गहरा सांस भरता सिर्फ गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। तुम ना सही, तुम्हारा तकिया ही सही, अगर इसे लेना है तो इसकी जगह लेनी पड़ेगी, उसने बाहों में भींचे तकिए की जानिब इशारा किया। वो पानी पानी हो गई, बड़ी ही कोई खबीस रूह है आप ठरकी, वो बुड़बुड़ा कर निगाहें फेर गई।
खबीस रू नहीं जिन हूँ, जो तुमसे ताहयात के लिए चिमट गया है। और ठरक अपनी बेगम से कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया के ठरकियों का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो। बीबी, इतना तेज़ी से कोरोना नहीं फैलता जितनी तेज़ी से मैं तुम्हारी रगर रू में फैल जाऊँगा, इसीलिए एहतियात। वो कहकर रुका नहीं, मोहब्बत की होंकों वाली सूरत पर नज़र डालकर चला गया और वो पीछे सर थाम के रह गई। या अल्लाह, किस साइको से जोड़ दिया है आपने, वो गहरा सांस भर कर बेड पर गिर गई। दफातन पाची का ख्याल आया, उफ ये इंसान दिमाग ही घुमा कर रख देता है। वो हड़बड़ा कर उठी, वक्त कम था और उसे जल्दी से तैयार होकर जाना था। वो ये छोटी मोटी खुशियाँ अपनी वजह से किसी की नहीं हड़प सकती थी। पहले बॉस ने कभी ऑफिस वर्कर को इतनी अहमियत नहीं दी, ना ही उन्हें कभी पार्टी में इनवाइट किया, बस खुद जाता था या कभी उम्मे लैला को लेकर जाता था। उसकी खूबसूरती की वजह से साथ मोहब्बत को अंदाज़ा था, पर सबील ने सबके लिए बेस्ट किया। खुद पार्टी इंजॉय करने की बजाय उन सब को भी इनवाइट किया, बल्कि इतनी बड़ी पार्टी उन सब पर ट्रस्ट करते उनके हवाले कर दी, बल्कि उन्होंने सबको इजाज़त दी थी अपना आप मनवाने की। अगर कहीं कोई बेस्ट ऑफर आए आगे बढ़ने की, तो रुकिएगा नहीं बल्कि बढ़ते जाएं, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है। वो सबसे संजीदा किस्म का इंसान होकर बर्ताव करता था। एक बॉस की उसमें सारी खूबियाँ थीं जिससे मुकाबिल इम्प्रेस हो सके। उसकी पर्सनालिटी ही काफ़ी मबहूत कर देने वाली थी। लहजे का अंदाज़, नज़रों की गहराई, आवाज़ में मखसूस सर्द से तासर ठहराव जैसे उसकी ज़ात का खासा था। उनसे सबसे ऐसा बर्ताव और उनके नस्बत मोहब्बत से अलग ही इंसान होकर पेश आता था। हंसता मुस्कुराता शरीर, कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़। वो जिस तरह उस पर मर मिटा था, उसे देखकर लगता नहीं था कि वो अपनी आधी ज़िंदगी दयारे गैर में गुजार कर आया है। उसे तो हुस्न का शुदाई होना चाहिए था, फिर उस आम सी लड़की में उसे क्या दिखा। वो आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे को देखने लगी और अपना मवासना उमैरा से किया तो वो दब गई उसकी उजली रंगत के सामने। उसने नोट किया था, जब वो कोई रंग पहनती थी अपने वजूद पर, तब यूँ मालूम होता रंग नाज कर रहे हों, खुशी से झूम झिलमिला रहे हों। वो सर झटकती हुई अलमारी के सामने आई और वार्डरोब से अपने लिए कोई ड्रेस मुंतखब करने लगी। तभी सियाह जैकेट लहंगे पर नज़र पड़ते ही उसके कानों में सबील के अल्फाज गूंजे, मैं क्यों करूं से मैचिंग, वो मुंह बनाकर नागवारियत से बोली। अगर उमैरा सियाह पहनकर आए कैसी लगेगी उसके साथ, उसके दिमाग में तसव्वुराती सूरत हाल लहराई। वो मबहूत हो गई, पर मैं कहाँ से कम हूँ, अच्छी भली गंदुमी रंगत है और सियाह रंगत में तो कशिश होती है, मैं क्यों पागलों की तरह कल से उसके साथ अपना मवासना करने लगी हूँ। वो झुंझुला गई, उसे जी भर कर खुद पर गुस्सा आया, पर मैं भी इतनी गई गुजरी नहीं कि मुझ पर ब्लैक सूट ना करे, उसने गुस्से से सोचा और झपट कर हैंग से खूबसूरत कीमती ड्रेस उठाती हुई बाथरूम में बंद हो गई। ये अमल उसने इतनी तेज़ी से और इतनी जल्द अंजाम दिया था कि पलक झपकने का वक्फा था। वो इसीलिए ताकि उसके मन के बीच फिर से कोई बात ना आ जाए जिससे वो ब्लैक उठाने से इनकार कर दे। कुछ देर में वो अपने दराज कद के साथ ब्लैक जैकेट लहंगे में मलबूस बाथरूम से बाहर आई। वो अपना सरापा बड़ी तवज्जो और तनकीदी निगाहों से देखने लगी। ड्रेस बेश कीमती ना ज़्यादा हैवी था ना ही झिलमिलाता हुआ, महज उस ब्लैक कलर के लहंगे चोली के ऊपर पहने लॉन्ग सी जैकेट पर सिंधी गोल्डन कलर का काम हुआ था नफीस सा, और उसके साथ लहंगा बाकी सारा प्लेन ब्लैक था, सिर्फ बॉर्डर पर ही भारी सिंधी वर्क का काम था। ये ड्रेस उसने दुबई प्लाजा से ली थी, पहली नज़र में ही उसे इस कदर भाया था कि उसने फौरन पेमेंट करते उसे अपनी मलकियत में कर लिया था। उसे याद आया उसके साथ उसने ब्लैक हील के साथ खूबसूरत एयररिंग्स भी खरीदे थे। वो मुस्कुराती अपनी ज्वेलरी बॉक्स देखने लगी और सामने ही शुक्र उसे मिल गए। उसने निकाल कर बाहर रखे और अपने चेहरे पर मेकअप का हल्का सा टच देने लगी। उसकी धड़कनें बेतरतीब थीं, हाथों में भी हल्की सी लर्जिश थी, जिस वजह से बहुत मुश्किल हो गया था उसके लिए अपने नोक पलक संवारना। वो गहरा सांस भर कर अपनी पलकों पर मस्कारा लगाने लगी। पहले तो उसे इन मसनूई सहारों की ज़रूरत नहीं थी, पर अब जाने क्यों वो पागलों वाली हरकत अंजाम दे रही थी। मस्कारा लगाते उसने अंदाज़ा लगाया कि घनी पलकों से मुसलसल
परेशानी, रोना, दुख सोचना, रातों को जागना उसकी पलकों का सत्यानाश कर गया था। पर शुक्र हो उस मस्कारे का जिसने फिलहाल उसकी कमी को छुपा दिया था। लबों पर लिपस्टिक लगाते लबों के खुश्कपन को देखती वो बिल्कुल बुझ गई। कितनी कमियां हैं मुझ में, उसके दिल से हौक निकली। पर वो तो बयान नहीं कर रहा, वो तो उसके सामने बिल्कुल सादा हुलिये में होती और वो फिर भी जज्बे लुटाने लगता। वो सोचने के साथ बालों में ब्रश करके क्राउन ब्रेड बनाकर सामने से दो लंबी खूबसूरत लटें निकाल ली और हाथ बढ़ाकर वो सियाह चमकते छोटे मोतियों वाले कंधे से थोड़ा ऊपर एयरिंग्स को पहनने लगी। गले में स्कार्फ के साथ अपना पसंदीदा संदल परफ्यूम उसने खुद पर स्प्रे किया और कुछ दूर होकर कद आवर मिरर के सामने खड़ी हो गई। एक नज़र ही खुद पर डाले वो ठिठक गई। उफ खुदाया, ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, उसकी धड़कनें सुस्त पड़ गईं। वो क्या समझेगा कि ये मैंने उनके लिए इतनी तैयारी की है। वो बौखला गई और कुछ समझ नहीं आया उस अकेले घर में वो उसका मुकाबला करे भी तो कैसे। उसका नाजुक सा सरापा सच धज कर होश उड़ा देने वाला हो गया था। वो मुनफरिद स्टाइल में खड़ी खुद पर अपनी नज़रों से ही बौखला रही थी। खुले जैकेट को देखते उसने एक मोतियों वाली उसकी लटकती हुई डोरी पेट के पास से बांध दी। वो अपने लबों पर लगी गहरी सुर्ख लिपस्टिक को देखती पसीना हो गई। अगर वो देख लेता, उससे कोई बईद नहीं थी कि वसाई की ठरकी इंसान अभी से ही सांसों के रद्दोबदल के बहाने जाने क्या करता। आगे वो सोच भी ना सकी। वो क्या सोचेगा मुझे देख कर कि उसने कहा और मैंने फ़ौरन से मैचिंग के लिए तैयार हो गई। उसकी शक्ल रोने वाली हो गई। हालांकि पार्टी मेकअप ही था बस, पर उसका शोला बखेरता वजूद, नज़रों को चिटकाते मोहब्बत करने वाला सरापा उसे खुद ही बुलाए दे रहा था। नहीं, मैं तो सिर्फ वर्कर्स की खुशी और उस उमैरा को बताने जा रही हूँ कि वो इस्लाम की बेटी है। उस पर जचता नहीं कि किसी गैर मर्द के लिए यूं सरे आम अपनी पसंदीदगी का इजहार करे, वो भी इतनी बेबाकी से। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिसके पीछे भाग रही है वो भटकी ठरकी रू पहले से शादीशुदा है। वो खुद को सफाइयाँ देने लगी। सोच मोहब्बत सोच कैसे निकला जा सकता है उस जिन के चुंगल से। उंगलियाँ आपस में उलझाते हुए यहाँ वहाँ चलती हुई सोचने लगी। दफातन दिमाग में ख्याल आया, भाग कर उसने मोबाइल उठाया और जल्दी से कान से लगाए दूसरी तरफ रब्ता होने का इंतज़ार करने लगी। शुक्र नैनू, क्या तुम लोग चले गए हो या अभी यहीं हो। ग्रेट, बस मैं आ रही हूँ, मेरा इंतज़ार करो, उसने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट की और जल्दी से अपना बैग, गाड़ी की चाबी, पर्स उठाती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। दफातन ही सामने आते डॉग को देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रुकी। दिल उछलकर हलक में आ गया, पर जब नज़रें सामने खड़े सबील अफाक के जबन शापर्ट के मुंह में सुर्ख गुलाब को देखते वो शुष्टर हो गई। कुत्ते के मुंह से गुर की मखसूस आवाज़ निकली जिस पर वो खौफ से सफ़ेद पड़ती पीछे होने लगी। कहीं ये मुझे पहचान ना पाया तो। सर्द वहशत नाक सरसराती हुई सोच उसके दिमाग में गूंजी और वो साथ ही थर थर कांपती लरजती हुई पीछे होने लगी। चीख भी नहीं सकती थी क्योंकि उसने नोट किया था वो चीखों से मज़ीद भौंकता था। उसने खौफ से जान बचाने के लिए पीछे देखा तो बेट था, वो गिर गई उस पर लड़खड़ाती हुई। बाप से जान बचाई तो बेटा पहुंच गया, मैं कहां जाऊं। वो मौत के खौफ से रोने जैसी सूरत बनाए हरासा नज़रों से उस कुत्ते को देख रही थी कि उसके करीब आने पर मोहब्बत ने सख्ती से आँखों पर हाथ रख लिया। दफातन उसे कुछ एहसास हुआ और उसने हैरत से दूसरे पल पट से आंखें खोली। कुत्ते के मुंह में मौजूद गुलाब अब उसकी गोद में रखा था। उसने आंखें जैसे ही खोली थीं पलकें झपकाए सामने बैठी रह गई। तो क्या ये मेरे लिए लाया है, उसने हैरत से सोचा, जबकि सामने अब वो खामोश खड़ा यहाँ वहाँ देखता तो कभी उसको देख रहा था। उसे दिल से एक हौक सी उठी कि जिसे वो जाने क्या क्या सोच रही थी वो एक फूल लेकर उसके पास आया है। क्या उसे मालूम था वो मौत के मुंह से लौट कर आई थी या उसे सबील ने बताया। उसने कांपते हाथों से फूल उठाकर देखा, जैसे देखकर मालूम हो रहा था कि वो खुद ही तोड़ कर आया है सिर्फ उसके लिए। थैंक यू, उसने मुस्कुराते डुबडुबाई आँखों से कहा। वो मध्यम आवाज़ में भाव करता उसके घुटनों से अपना चेहरा सहलाने लगा। मोहब्बत का दिल इस अचानक अफ्ताद पर अतः गहराइयों में डूब गया
पर उसके प्यार मोहब्बत पर वो साकिन थी। वो तो उसे डराना चाहता था, मारना चाहता था। फिर वो जिनसे सारी ज़िंदगी डरती आई थी, उस आदमी ने चंद घंटों में उसके डर खौफ को यूं भगा लिया था कि अब मोहब्बत अपना कांपता हुआ हाथ उस कुत्ते के सर पर रख कर सहलाने लगी। वो आराम से लबरेज ऊँ ऊँ की आवाज़ निकालता हुआ उसके घुटनों पर सर रख कर आँखें मूंद गया। कहाँ गया उसका डर, कहाँ गया उसका खौफ। वो पुरसकून मुस्कुराहट के साथ उसके सर पर हाथ फेरने लगी और उस कुत्ते को भी जी भर कर सुकून मिला कि वो आंखें मूंदे आराम फरमा रहा था। तफातन मोहब्बत को वक्त का एहसास हुआ। इससे पहले कि सबील आ जाता वो यकदम उठी। सॉरी, कुत्ते को खुद को तकता पाकर उसने खौफ से बौखला कर माफ़ी चाही, पर वो खामोशी से उसकी टांगों से चेहरा सहला कर वहाँ से निकल गया। मोहब्बत तो उसके अचानक बदले रवैये पर शुष्टर थी, पर अभी इतना वक्त नहीं था कि वह सोच सके। वो एकदम दरवाजे की तरफ भागी। अगले ही पल दीवार से टकरा कर लहरा कर गिरती, पर इससे पहले ही उस आहनी मजबूत हिसार की गिरफ्त में आ गई। उसे बाजुओं में थामे वो उस पर झुका हुआ था। मोहब्बत चीखना बंद करके झटके से आंखें खोलकर सामने देखने लगी। हैं? वो पूरी शिद्दत से खुद पर झुके सबील को देखती हैरत से चीखी। तो वो दीवार नहीं थी, वो तो वही था जिससे वो पूरी कुव्वत से भागी थी। क्या है? उसने पूछा, जबकि उसके कोट को थामे उसके बाजुओं में गिरी वो फैली आंखों से उसे देख रही थी। उसकी ब्राउन आंखों को करीब से देखते उसकी सांसें रुक गईं, जबकि सबील उस होशरुबा वजूद के होश उड़ाते सजे नकूश देखता मभूत हो गया था। उसके लबों की गहरी लिपस्टिक, बालों का खूबसूरत स्टाइल, आगे चेहरे को चूमती लटें, लहराते एयररिंग्स, वो पूर पूर संदल में महकी, उसके होश उड़ा गई। उसने सच में उसके साथ मैचिंग की थी। सबील का दिल खुशगवारियत से धड़का। तो क्या वो उसे कबूल? दूर रहो। उसकी आंखों में शिद्दत भरी बारफ्तगियाँ देख कर उसने हकलाते हुए कहा और उसे होश की दुनिया में पटक दिया। भाग रही थी मेरी शेरनी? उसने चेहरे पर नज़रें फेरते हुए खद व खाल को जांचते हुए बोला। मोहब्बत के छक्के छूट गए। नहीं तो मैं क्यों भागने लगी? उसने घबराए बौखलाए कहा। फिर इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? उसने उसके माथे की जानिब इशारा दिया। मोहब्बत ने आंखें ऊपर उठाईं जैसे अपने माथे पर पसीना देख रही हो। उसकी ये क्यूट सी अदा उसे बहुत भाई। ये तो हवा की वजह से है, वो उसके सीने पर हाथ का दबाव देती हुई बोली। हवा की वजह से? वो हैरान नासमझी से इस्तफसार करने लगा, पर मोहब्बत के लिए मुश्किल पैदा कर गया। वो कैसे बताए उसे कि तुम्हारी सांसों की तपिश से पसीने छूट रहे हैं। बहुत मुश्किल है तुम्हारी कुर्बत को दो मिनट के लिए झेलना। लोगों का हवा में पसीना सूखता है, तुम्हारा आ रहा है। अजीब लॉजिक है, वो हंसकर बोला। सीधे हो जाए आप, वो हिचकिचा के बोली। कितना? सबील ने उल्टा भारी लहजे में पूछा और नीचे कमर पर दबाव देते उसे अपने सीने के करीब कर लिया। मोहब्बत की तो सांसें रुक गईं उसके एक कदम करीब आने पर। अब वो बिल्कुल उसके चेहरे के पास था कि दोनों में उंगली भर का महज फासला रह गया था। एक बार फिर उसकी सांसें उससे उलझने लगीं, इस कदर कि वो उन आग की मानन सांसों की ताब ना लाते आंखें सख्ती से मीच गई और उसके कंधों को दबोचा। उसकी नज़रें उन सुर्ख पंखड़ियों पर थीं और वहाँ से होती उसकी लरजती बंक पलखों पर। कोई मज़ामत नहीं, वो जितना शॉक्ड होता उतना कम था। मोहब्बत ने बेबसी से अपनी आंखें बंद ही रखी। वो धीरे से हंस पड़ा। तुम्हारी सांसें ऐसे ही तेज तेज चलती हैं या सिर्फ मुझे मदहोश करने की चाल है इनकी? वो झुक कर उससे पूछने लगा। सबील, वो घबराई हरासा उसे पीछे करने की तगोदो में थी, मोहब्बत करती हो ना? वो झटके से उसे सीधा करके उसे पास करता दीवार से लगा चुका था। मोहब्बत की हद से ज़्यादा आँखें फैल गईं। उसी का तो डर था उसे, पर उस कुत्ते फौरन उसे झटका लगा और उसने शॉक्ड की कैफियत में कुत्ते को ढूंढा, पर वहाँ से तो वो कब का जा चुका था जब सबील वहाँ आया था। वो उसके चेहरे के तासुरात देखता उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में फंसा कर दीवार से लगाए उसकी झुकी आंखों को देखने लगा। मोहब्बत ने उसका सवाल यूं नज़रअंदाज किया जैसे सुना ही ना हो। मैंने कुछ पूछा है, वो अपनी बात पर जोर देते सख्ती से गोया हुआ। क्या? वो कुछ कहती कहती बात बदल गई। यही कि मुझसे प्यार करती हो?
वो दीवार से हाथ आहिस्ता से खिसकाता हुआ उसकी कमर पर पीछे दोनों हाथ बांध गया और अब जो उंगली भर का फासला था वो भी उसने अचानक मिटा दिया। मोहब्बत का चेहरा सुर्ख मुतगैर हो गया जबकि उसके सीने से लगते उसका पूर धड़कन बन गया। नहीं करती, छोड़ो, वह गुस्से से शदीद मज़ाहमत पर उतर आई। हाँ हाँ हाँ, एक तुम्हारा झूठ बोलना, तुम्हारी सांसों का बिखरना, लहजे का भारी होना, पलकों का लरसना, लबों का कपकपाना, वजूद का थर थर कांपना, धड़कनों का शोर मचाना, वह कहकहा लगाते फुर्सत में सरगोशी से उसके कान में गोया हुआ। मोहब्बत की समातों में उसके भारी गंभीर लहजे में सरगोशियाँ गूंजी, वो अंग अंग लरस उठी। तुम मुझसे प्यार करती हो, इसका इजहार तुम्हारी सांसें ही कर देती हैं। तुम्हारा मुझसे दूर भागना ही इस बात की गवाही है कि तुम्हारा दिल भी सबील अफाक के नाम से धड़कता है, जैसे सबील अफाक का मोहब्बत के नाम से। बस तुम इजहार नहीं कर रही हो, पर मुझे यकीन है मेरी शिद्दतें, जुनून, मोहब्बतें, वारफ्तगियाँ तुम्हें तुम्हारी रूह कल्ब समेत ज़रूर जीत लेंगी और इसका इजहार तुम खुद आकर करोगी, वो कह रहा था। और मोहब्बत उसके सर्द लहजे में कही बातों पर दम साख्ता हो गई। दूर रही मुझसे, अचानक पूरी कुव्वत से उसे पीछे धकेलती हुई वो वहाँ से एक मिनट भी रुके बगैर भागी थी। ना सिर्फ दिल बल्कि उसका वजूद भी थर थर कांप रहा था उसके लहजे में जुनून से, जैसे वो अभी उसे दबोच कर वो कहलवाएगा जो मोहब्बत हरगिज़ नहीं कहना चाहती थी। वो जिस तेज़ी से भागी थी उस तेज़ी से गाड़ी में बैठने लगी थी कि अचानक कमर में उसका बाजू आया और उसे झटके से खींच दिया। वो कराह कर उछली, रिलैक्स, तुम गलत गाड़ी का डोर ओपन कर रही हो, इसीलिए रोकना पड़ा। रात का पहर था, पार्किंग एरिया में उन दोनों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। सबील उसे कमर से थामे घुमाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ खींच लाया। ये है हमारी सवारी, मैं चाहता हूँ ब्लैक ड्रेस में दोनों ब्लैक डायमंड की तरह साथ चलें। वो उसके कान में सरगोशी करता दूसरे हाथ से गाड़ी का लॉक खोलने लगा, अलबत्ता एक बाजू उसकी कमर में था। वो सुन खड़ी खामोश थी, ज़रा सी मज़ाहमत भी ना कर पाई। पर हम कैसे साथ चल सकते हैं, वो दबे गुस्से में बोली, कि तुम्हारा सरदर्द है, मेरा हुक्म यह है कि तुम सारा वक्त वहाँ मेरे साथ रहोगी। वजह मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर चुका हूँ कि तुम्हारी सांसों, महक से लेकर वजूद की महक पर सिर्फ मेरा हक है। उसकी गर्दन में गहरा सांस लेते वो उसके रोंगटे खड़े कर गया। बैठो, उसे बुत बना देख कर उसने मोहब्बत से कहा, पर मोहब्बत के लिए कयामत खेज सूरत हाल हो गई। वो कैसे उसके साथ मैचिंग ड्रेस में उसके हमकदम चले, लोग क्या कहेंगे, पूरा स्टाफ वर्कर्स मौजूद होंगे। देखें आफाक, फुर्सत से देखूंगा जब तुम देखने की पूरी इजाज़त दोगी, मायनी खेजी से कहता वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता हुआ भाग कर दूसरी तरफ आया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। आप समझ क्यों नहीं रहे, लोग क्या कहेंगे, वो चीख पड़ी उसकी डिटाई पर। लोगों को भाड़ में भेजो, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, हम दोनों को ज़िंदगी गुजारनी है, लोगों को नहीं। अल्लाह ने उनके सलाह मशवरे से हमें ज़िंदगी नहीं दी है जो हम उनके मोहताज रहें, अंडरस्टैंड। आइंदा मेरे सामने बेवकूफ़ों की तरह लोगों का रोना मत रोना। वो सर्द सख्त लहजे में बावर करवाता उसकी सीट बेल्ट बांधने लगा। वो तो बस उसके बदले अंदाज को ही देख रही थी, ये इंसान कम उसे गिरगिट ज़्यादा लगा। पल में तोला, पल में माशा। अब वो नैना को कॉल करके चले जाने का कैसे कहे, मोबाइल, पर्स, सब कुछ तो उससे टकराने की वजह से वहीं गिर गए थे। वो बेचारी उसके इंतज़ार में होगी उसने सोचा था, छुप कर यहाँ से भाग जाएगी और नैना वालों के साथ चली जाएगी। पर जब से वो आया था उसकी सोचें उसके उलट ही हो रही थी। कुछ ना सोचते हुए कहर भरी नज़रों से उसे देखते उसने झपट कर उसके ब्लैक प्रिंस कोट की जेब से मोबाइल निकाला। सबील उसकी इस्तेहकाक भरी अदा पर निसार होता हंसा। मोहब्बत तो तुम्हें भी है, मोहब्बत बीबी कब तक छुपाओगी, तुम्हारी जो धड़कनें जब मेरे सीने में धड़कती हैं उनके मदहोश रक्त से ही ये दीवाना अंदाज़ा लगा लेता है कि किस कदर चाहती हूँ मुझे। उफ़ तेरा ये जब्त, दिल चाहता है इस कदर तुम्हें बेबस कर दूँ कि तुम मजबूर होकर ख़ुद को मेरी बाहों में सौंप दो। पर इसमें इतना सरूर कहाँ जो सरूर महबूब की खुद सपुर्दगी में है। वो उसके तपे तपे चेहरे पर तिरछी नज़र डालता हुआ लबों पर तबस्सुम सजाए सोच रहा था, जबकि वो उसकी सोचों से अनजान
पार्टी में लोगों का सामना करने की परेशानी में घिरी हुई थी और उसे नैना भी भड़क गई थी कि जब आना अपने मिजाजी खुदा के साथ था तो इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत पर वो उस कमीनी को कैसे बताए कि उसने किस कदर मुसीबत हल की उसके रास्ते में, किस कदर बेबस कर दिया कि वो हिल भी ना सकी सिवाय गाड़ी में बैठने के। मोहब्बत अपनी गर्दन पर उसकी झुलसाती हुई सांसें अभी तक महसूस करती विंडो से बाहर रास्ते पर भागती दौड़ती गाड़ियों को देख रही थी और वो वक्फे वक्फे से अपनी तड़प का इलाज उसके दीदार से कर रहा था। आज वो लगी ऐसी कयामत खेज रही थी उस स्याह लिबास में कि दिल चाह रहा था यहीं से कहीं दूर लेकर जाकर छुपा दे उसे दुनिया जहान से। उसे एहसास हो रहा था कि वो एडिक्ट हो रहा है उसका, या तो साइको हो रहा है कि उसे पाने की चाह में अपनी जान से गुजरने के लिए तैयार था और यूं लग रहा था ये जुनून उसकी जान लेकर ही जाएगा। गाड़ी में गहरा सकूत छाया हुआ था जिसे हाथ बढ़ाकर सबील ने तोड़ दिया और अब उन दोनों की धड़कनों के साथ मशहूर सॉन्ग लव मी लाइक यू डू अपनी फसू बखेरती आवाज़ साज में गूंजता हुआ उन दोनों की धड़कनों को अलग ही लय पर धड़काने लगा। मोहब्बत ने सुर्ख चेहरे के साथ सबील से नज़रें चुराते डोर की विंडो पर अपना बाजू रखते उस पर सर टिका दिया और बाहर के मनाजिर देखने लगी, पर दिल तो उन अल्फाज पर हरासा सहमा मदहोश बेखुद बहका हुआ था। कहकहों मुस्कुराहटों झिलमिल करती खिलखिलाहटों फैंसी लाइटिंग सफ़ेद पर्दों से सजाया गया फार्म हाउस का लॉन रात के पहर सियाह आसमान पर सितारों की रोशनी से जगमगा रहा था। वहाँ के दरख्तों फूलों पर भी खूबसूरती से लाइटिंग की गई थी जिनसे वो किसी फैरी टेल का मंजर पेश कर रहे थे। हवा की लहरों पर लहराते सफ़ेद पर्दे सियाह आसमान की चादर पर रोशन चमकते सफ़ेद हीरों की मानंद सितारे बिखरे हुए थे और उनके बीच चाँद का गायब होना अलग सा समा था जबकि सहर तारी कर रही थी सब पर। फिजा मध्यम रोमांटिक म्यूजिक की धुन के साथ जदीद परफ्यूम्स की खुशबुओं से नहाई हुई थी। हवाओं के जोर पर उड़ते छेड़छाड़ करते लड़कियों के शरीर बाल अजीब सा सहर बख्श रहे थे रात को। रात के इस ठंडे ठंडे पहर में पार्टी का मज़ा ही कुछ और था। कंपनी के सारे वर्कर्स अपने टाइम के पाबंद फौरन से वक्त पर पहुंच गए थे जिनमें उमेरा उम्मे लैला जैनी भी एक थीं और सात और भी बहुत थीं। वर्कर्स खुश कप्पियों में मसरूफ मशरूबात से लुत्फानंदोज़ होते जगह की तैयारी सजावट को सराह भी रहे थे। वेटर्स मशरूबात तकसीम कर रहे थे जिसके साथ ही कहकहों के बीच ग्लासों के टकराने की आवाज़ें अरूज पर थीं। सर नहीं आए अभी तक, हालांकि सबसे पहले उन्हें होना चाहिए था फौरन पार्टी को वेलकम करने के लिए। नेवी ब्लू जदीद फैंसी मैक्सी में मलबूस पार्टी मेकअप के साथ कयामत खेज अपने हुस्न की मालिक उमेरा ने उम्मे लैला से दरियाफ्त किया जिसने सुनते कंधे उचकाए। जबकि उसकी फीलिंग से महसूस होती जैनी बोली, आ जाएंगे, वो मोहब्बत को हॉस्पिटल भी तो लेकर गए थे, हो सकता है देर हो गई हो, वैसे भी अभी फौरन पार्टी से तो कोई नहीं आया। उमेरा के तन बदन में जहर दौड़ गया मोहब्बत के नाम से और उसने घूर कर जैनी को देखा जिसका कहकहा बेसाख्ता था। कूल डाउन स्वीट हार्ट, देखना तुमसे नज़रें नहीं हटेंगी। उम्मे लैला ने रिलैक्स किया, वो नखुवत से सर झटक गई। नो डाउट, वो हंस कर बोली। मैक्सी से झांकते उसके खद्दो खाल पर चिपकी वहाँ ला तादाद लोगों की नज़रों पर इतराई। जैनी ने तमस्कुर से उम्मे लैला को देखा, उसने चुपके से आंखें दिखाईं और हंस पड़ी। उनके इन मायने खेज इशारों से उमेरा लाइल थी, अगर जान पाती तो अपनी नज़रों में ही गिर जाती कि उसकी दोस्तों की नज़रों में उसके लिए वैल्यू एक डांसर से कम नहीं थी। मुझे लगता है उमेरा, अगर तुम्हें यहाँ एक रूम भी बुक कर देना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे इरादे हैं ना सर को घायल करने और उनके साथ कपल डांस के, में भी वो बहक जाएं, एटलीस्ट कोई बंदोबस्त तो हो। जैनी का कहना था कि उम्मे लैला का बुलंदो बांग कहकहा गूंज उठा। उमेरा का चेहरा शर्मो हया से मुतगैर हो गया। शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर हुआ भी तो मैं उन्हें संभाल लूँगी। ग्लास लबों से लगाते उसने मुस्कुराहट छुपाई। तभी तीनों बयक वक्त एक खिलखिलाहट पर चौंकी, साथ देखा तो सामने ही गुलाबी घेरदार फ्रॉक में मलबूस लाइट से मेकअप के साथ चुलबुली सी नैना
आज तो कीर के होश उड़ाती उसके संग अंदर दाखिल हुई थी। ग्रे पेंट हाई नेक स्वेटर नुमा शर्ट पर ग्रे कोट में खूबरू तो कीर ना सिर्फ उमैरा बल्कि वहाँ मौजूद काफ़ी लड़कियों की नज़रों का मरकज बन गया। दोनों ने अपनी कलाई में एक जैसी खूबसूरत ब्लैक एंड गोल्डन कलर की घड़ी पहनी थी। दूसरा उसका हाथ नैना ने ज़बरदस्ती अपनी कमर के गिर्द भी लपेटा हुआ था सबको जताने के लिए। पर ऐसा करने से तौकीर की मुस्तकबिल की धमकी से वो खिलखिला उठी जिसके साथ ही कई गर्दनें उनकी जानिब मुड़ी बल्कि नज़रें मबहूत होकर रुक गईं। नैना की नज़रें जैसे ही उमैरा पर पड़ी उसके दिल में ठंडक उतर गई कि अब जब वो सबील और मोहब्बत को साथ एंटर होते देखेगी तो कैसा धमाका होगा उनके सरों पर। सोचकर उसके दिल में खुलबुली मच गई। वो अंदर आए और सबसे मिलने लगे। सबील के साथ रिश्ता बनाते ही मैं सबसे पहले उसे लात मारकर बाहर फेंकूंगी, मुट्ठियाँ भींच कर फूली सांसों से कहा। किसे? उसकी हालत देखते वो दोनों चौंकी। वही उस मोहब्बत की चमची को? उसका इशारा तौकीर की किसी बात पर मुस्कुराती हुई नैना की तरफ था। उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी नैना उसके रास्ते में नहीं बल्कि उसने खुद नैना को चीट किया था और अब तक उनसे जलती आ रही थी। शायद अभी उसके पुरदीदार लिबास से भी वो जल भुन गई थी। पर ऐसी औरतें किस हाल में भी खुश नहीं होती, ना खुद को नज़ारा आम बनाकर ना ही मन चाहा गंद बनकर। वो बस चाहती हैं दुनिया उनके कदमों में हो, पर अगर ऐसा भी हो जाता तब भी उनकी रूह को सुकून नहीं आता जब तक वो मुंह के बल न गिरे। ये कहाँ रह गए? फौरन पार्टी आने ही वाली होगी, नैना ने परेशानी से पूछा। आ जाएंगे, शायद ट्रैफिक में फंस गए हों। उसने सुनते ही हौसला दिया। आ गए, पर अगले ही पल उसकी बात सुनने से पहले ही वो चीख उठी। तौकीर ने बौखला कर उसे देखते सख्त नज़रों से घूरा था। उसकी चीख पर सबील वालों की तरफ नहीं कितनी ही मुस्कुराती नज़रें उस पर आ गई थीं जो तौकीर को काफ़ी नागवार गुजरी। कुछ सीरियस हो जाओ, बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो, उसने टोका, पर वो कहाँ उसे सुन रही थी। मजबूरन अफसोस से सर हिलाते उसने सामने देखा, पर अगले ही पल सामने आती जोड़ी को देखते उसकी नज़रें भी ठिठक गईं। दराज कामत ब्लैक फोर पीस सूट में मलबूस जेल से सेट अपने मखसूस अंदाज में घने बाल डार्क ब्राउन आँखों में तबस्सुम लिए खड़ी मगरूर नाक घनी मूछों तले सुर्ख लबों पर मुस्कुराहट ताज़ा की हुई नीली शेव अपनी सहर अंगेज बावकार पर्सनैलिटी के साथ ब्लैक महंगे तरीन शूज़ में मुकीत पांव सफ़ेद रविश पर रखते वो मगरूर चाल चलता एक हाथ में महंगा तरीन मोबाइल तो दूसरे हाथ में साथ चलते वजूद का कपकपाता हुआ हाथ थामा हुआ था। उसके शहर से आज़ाद होते सबकी शॉक्ड नज़रें उसके साथ आए वजूद पर गईं जिसका हाथ उनके बॉस सबील अफाक के मजबूत हाथ की गिरफ्त में था। सबकी खोजती निगाहों ने उस हाथ की गिरफ्त में वाजिया इस्तेहकाक महसूस किया था जैसे बहुत गहरा रिश्ता हो। उन्हें लगा वो नहीं आएगी, बल्कि सबको लगा वो वाकई नहीं आएगी क्योंकि आखिर में उसकी हालत जो थी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो आएगी, वो भी ऐसी एंट्री में। उसने जैसे सबके सरों पर धमाका किया था बॉस के साथ एंट्री देते, ना सिर्फ धमाका एंट्री का बल्कि उसके शराब पे उसके वजूद पर मौजूद कपड़ों के कलर से सब हौकों की तरह झुकी पलकों वाली मोहब्बत को देखने लगे। कहाँ गई सरगोशियाँ, कहाँ गए कह कहे, कहाँ गई ग्लासों की आवाज़। सब जैसे साकित हो गए, हत्ता कि उन्हें फिजा भी साकित महसूस हुई जैसे उन दोनों के जोड़ को देखते हर दिल धड़कनों से मदहोश था। सादा सी आदम बेजार हमा वक्त बदरूह बनकर चलने वाली मोहब्बत की आज छप ही निराली थी। कितनी नज़रों को चिटका कर साकित कर गई, कितनी धड़कनें साकित हुईं कि वो उस हीरो को क्यों ना देख पाए आज से पहले। उसके दो टोक अंदाज सख्त घूरियों से वो आज तक चिढ़ते उससे दूर होते थे, पर आज सामने आती स्याह टखनों को छूती जैकेट नीचे ब्लैक प्लेन सिंपल लहंगे चोली पहना हुआ था, पर उसके बॉर्डर पर सिंधी कढ़ाई ने नहायत ही खूबसूरत बना डाला था सूट को। गले में मौजूद स्कार्फ जिसके चारों अतराफ से छोटे छोटे मोती लटक रहे थे, कानों में खूबसूरत एयरिंग, लबों पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक उसके मामूली हुस्न को आतिश बना गई थी। बालों का स्टाइल और सामने निकलती लटें उसके गालों को चूमती हुई शरीर पन में रक्स कर रही थी।
ब्लैक नफीस सी स्ट्रिप्स वाली हील पहने उसके कदम के साथ कदम उठाती मोहब्बत सच में सरापा मोहब्बत लग रही थी। उसकी हया से झुकी घनी पलकें, एक हाथ उसने जैकेट की जेब में छुपाया हुआ था तो दूसरा सबील अफाक के मजबूत हथेली में छुपा हुआ था। तो कीर, मैस्मराइज सी नैना ने तो कीर का बाजू पकड़ा। उसने चौंक कर उसे देखा और उसकी हालत को देखते अपनी मुस्कुराहट छुपाई। तो कीर, ये बंदा मुझे पागल कर देगा, क्या है ये, कैसे उसने हमारी मोहब्बत को बदल दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कीर, वो बेयकीन थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था सामने आती उसकी मोहब्बत थी। यकीन कर लो या मैं होश में लाऊं, उसे बेयकीन मासूम सूरत में बेतहाशा, भाई के बेसाख्ता ही कुछ झुकते उसने मायनी खेज जुमला अदा किया। क्या, नैना यूं चीख कर उछली जैसे 400 वोल्ट का झटका लगा हो। लड़की, काफियों को मतवज्जा होते देखकर तोकीर उसकी हालत पर नागवारी से झिड़कता रह गया। उसे तो ऐसा कहना ही फजूल था। नहीं, मुझे बताओ तुमने अभी क्या कहा। ओ माई गॉड, तोकीर तुमने ये जुमला मेरे लिए इस्तेमाल किया। बेबी आर यू ओके, तबीयत तो ठीक है ना। वो हैरत से शुशतर बेयकीन थी। उसके लिए यकीन करना आसान नहीं था कि ये जो अचानक मोहब्बत की झुकी पलकें सबील के हाथ में हाथ तोकीर का मायनी खेज जुमला, सब कुछ ही तो बेयकीन था। वो चीखती ना तो क्या करती, पर उसके बरअक्स तोकीर ने जो एक जुमला बड़ी दिक्कतों से अदा किया था पर उसका रिएक्शन शर्माने की बजाय हौंकों की तरह देखना चीखना तोकीर के तो तन बदन में आग लगा गया। पड़ोसन की मासी से उसने भड़क कर नीची आवाज़ में कहा, हैं तुम कहकर तो देखो मुँह तोड़ दूँगी, और गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच गई। ईद के बाद तुम्हें बताऊँगा, अब तुम्हें सीधा बहुत कर लिए मज़े, अब मेरे बच्चे संभालना और उनके मुंह तोड़ना। वो चबा चबा कर दम की अमेज कहता उसे वहीं साकेत और जामे छोड़ कर वहाँ से सबील अफाक की तरफ बढ़ गया। मतलब ईद के बाद मेरी रुखसती है, उसका दिल सोच कर धड़का। ओहो, एकदम ही वो खुशी से पागलों की तरह नारे लगाती चीख उठी। सबने चौंक कर हैरत से उस पागल लड़की को देखा जो बार बार चीखें मार रही थी। जो उससे वाकिफ थे अपनी नैनों को देख कर गिलगिला उठे। वो थी ही ऐसी मनमोजी, उससे किसी भी किस्म की तवक्को रखी जा सकती थी, पर उनके बरखिलाफ इतने लोगों को उसके साथ कहकहे लगाते तो कीर सर पीट गया कि ये लड़की रुखसती का सुनकर इतना खुश क्यों हुई है। उसने सोच लिया था जब उसके पास आएगी रात को सूरज की सैर न करा दी तो उसका नाम भी तो कीर नहीं। हंसकर सर झटकता हुआ वो सबील अफाक की जानेब बढ़ा जो मोहब्बत का मुसलसल हाथ थाम कर खड़ा अपने पार्टनर कंपनी के पहले बॉस से बात कर रहा था। यहाँ नैना का खुशी से कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसकी दोस्त के चेहरे पर हया के रंग देखकर वो रब के जितने शुक्र अदा करती उतने कम थे। सबील अफाक, उसकी तो बड़ी प्लानिंग थी मुस्तकबिल को लेकर, अगर मोहब्बत नहीं मानी तो, पर सबके प्लान उसके आगे मिट्टी के ढेर बन जाते हैं जब वो प्लानर प्लान करता है। उनके रब ने उनकी जब्त से ज़्यादा आजमाइश नहीं ली थी। बिलाखिर सबील अफाक की मोहब्बत उसे जीत ही गई थी जो उसके चेहरे के रंग ही वाजिया बता रहे थे। शर्मो हया से लिखी वो अनोखी दास्तान, और अब जानती थी वो जल्द ही इजहार भी कर देगा। उसका दिल ईमान ला रहा था कि मनहूसियत की नहीं बात नसीबों की होती है। ऊपर से दुगनी खुशी तोकीर के लबों से भी कुफल टूटा और भी रुखसती के लिए वो भी मान गया। अब वो जल्द ही अपनी प्यारी सासू माँ के पास जाएगी और उसकी माँ को तब कदर होगी उसकी जब वो पराए घर जाएगी, और जब जब घर आएगी तो उसकी माँ उसे दिल से चाहेंगी, प्यार करेंगी, बल्कि उसे घर में रानी की तरह रखेंगी। जाने कितने ऊट पटांग ख्वाब थे उसके, कितने मज़े होंगे मेरे। वो अपनी छोटी छोटी नंदों से खेलेगी, प्यारी सी सासू माँ से लाड उठवाएगी जिसे नैना जैसी शरारती घर में बहू चाहिए थी, क्योंकि शादी से पहले खुद भी नैना के मजाज की ही वो मालिक थी, सास से उसकी खूब बनती थी। तो कीर को फिर खुद वो लिफ्ट ही नहीं करवाएगी, और जितना उसने उसे सताया था वो भी ऐसी बदजोक बदरू बन जाएगी। उसके मुस्तकबिल के लिए बचकाना लंबे प्लान्स थे, जबकि तो कीर एक संजीदा सा लड़का था और उसकी ख्वाहिश देख कर उसके इरादे ख़तरनाक हो गए थे। ईद के बाद उनके प्रमोशन होने वाले था और अब वो नैना को भी मज़ीद इंतज़ार नहीं करवा सकता था। रब ने जितना दिया था उसके लिए शुक्रिया अदा करता था।
वो खुशी से बेहाल अपना फ्रॉक संभाले कितनों की नज़रों का मरकज़ बनी, मोहब्बत की सिम भागी थी। देखा, मैंने कहा था कि ये सब उस घटिया लड़की की चाल थी, तुम दोनों मान नहीं रही थी। एक साइड कोने पर खड़ी आपे से बाहर होती वो पागल चीखी थी, वो पागल होती चीखी थी। उसकी लहू आंखें मोहब्बत के हाथ पर थीं जो सपील अफाक के हाथ में दबका हुआ था। पार्टी में उन्हें सराहती आंखें, तारीफी सरगोशियां, तबसरे, क्या कुछ नहीं था उसे पागल करने के लिए। वो जो इतनी तैयारी करके आई थी, हज़ारों का सूट पहन कर आई थी, उसकी सिम तो उसकी तवज्जो भी नहीं थी कि वहाँ कोई उमैरा भी पाई जाती है। तुम पागल ना हो अमी, समझो बात को, वो सर की पर्सनल सेक्रेटरी है। अगर वो नहीं आती पार्टी में तो कितनी मुश्किल होती फ़ौरन पार्टी के लिए, कौन संभालता उन्हें। सर ने सिर्फ उसे हाथ दिया हुआ है सपोर्ट के लिए, स्टूपिड, जैनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते समझाया था। शट अप यार, मैं तुम्हें शक्ल से इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ? तुम दोनों मेरी फ्रेंड्स हो या उसकी? वो बॉस के साथ मैचिंग करके आई है, उसके हाथ में हाथ देकर दुल्हन की तरह नज़रें झुका कर आ रही है, उसके चेहरे पर शर्म है। क्या मैं अभी भी गलत समझ रही हूँ या मैं पागल ना हूँ? वो आपे से बाहर होकर हलक के बल चीखी, वो दोनों बुखला गई। व्हाट रबिश यार, सबका ख्याल तो कर लो, उम्मे लैला ने गुस्से से झुड़का। नॉट रबिश, तुम दोनों गवाह हो, उसे पहले मैंने चाहा, मोहब्बत ने जान कर कि मैं उसे चाहती हूँ तो उसने नीचे दिखाने के लिए ये प्लान बनाया है। तुम दोनों को याद होगा मैंने उससे पूछा था तो कैसे नज़रअंदाज करके मुझे उस चमची के पास चली गई थी और फिर वह दोनों सरगोशियों में कुछ कह रही थी। आई एम 100% श्योर ये सब उस घटिया लड़की की चाल है, वो सिर्फ मुझसे सबील अफाक को छीनना चाहती है। वो सिसक रही थी, रो रही थी। आर यू क्रेजी यार, वो तुम्हारा था कब जो तुम इस हद तक पागल हो रही हो? उसकी जुनूनी हालत देख कर जैनी ने तिनक कर तंज किया। उमैरा ने चौंक कर उसे देखा, जिस पर उसने नज़रें फेर ली। हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, अगर मुझे सबील अफाक नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊँगी और उस पागलपन में मैं उसे अपने हाथों से मार दूँगी, ना वो मेरा होगा ना ही उसका, उसने सर्द वहशियाना अंदाज में कहा। वो दोनों सन्नाटों की जद में आ गई, उन्हें साफ उसके अंदाज से मोहब्बत के लिए हसद नज़र आया। वो कभी यकीन नहीं कर सकती थी कि मोहब्बत कोई चाल चल सकती है। उन्हें खुद अपने बॉस की नज़रों में मोहब्बत के लिए जज्बात नज़र आए थे, सिर्फ यही अंधी थी और अपनी दोस्त के लिए उन्हें भी अंधा होना पड़ा। पर उन्हें नहीं मालूम था कि उसका ये हाल होगा कि वो मरने मारने पर आ जाएगी। उसकी हालत से वो दोनों बौखला गईं, उनके हाथ पांव फूल गए। संभालो खुद को उमैरा, लोग क्या कहेंगे यार, सब हमारी तरफ मतवज्जा हो रहे हैं, मशकूक हो रहे हैं। चलो बॉस के पास चलते हैं, कुछ नहीं ऐसा जैसा तुम सोच अच्छा ही हो, ऐसा कुछ ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं जो कुछ उसके साथ करूंगी वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मुंह छुपाकर रोएगी, डूब ना मरी तो मेरा नाम बदल देना। उसकी बात को काट कर उमैरा गुस्से से बोली। वो कहकर अपने चेहरा बेतासुर किए एक कारदार नज़र दूर खड़ी नैना के साथ मुस्कुराकर बात करती मोहब्बत पर डालकर अपना चेहरा साफ करने लगी। ऐसी बन गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें उसके इरादों से खौफ आने लगा। उमैरा, उन्होंने अभी मुंह से अल्फाज ही निकाला था कि वो टिक टिक की आवाज़ पैदा करती वहाँ से चली गई। उन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ द नोवेल ईद संगे मोहब्बत पर। मैं विश अली, होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।